और साथियों, ये 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं लग रहा है, ये तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। मैं सबसे पहले सौम्यता के धनी, अत्यंत सरल मेरे बहुत पुराने मित्र बाबूलाल जी का धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने मुझे आपके बीच में से निकाल करके आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य दिया। मैं इसलिए उनका आभारी हूं। और जब मैं आप सबके दर्शन कर रहा था तो बहुत पुराने पुराने चेहरे जिनके साथ मुझे संगठन में काम करने का सौभाग्य मिला है, ऐसे सब पुराने साथियों को आज मुझे निकट जाकर के प्रणाम करने का अवसर मिला। मैं सबसे पहले आप सबकी माफी मांगना चाहता हूं, आप सबकी क्षमा मांगना चाहता हूं। क्षमा इसलिए कि जो पैंडाल हमने बनाया है वो बहुत छोटा पड़ गया, और बड़ी मुश्किल से 5% लोग पैंडाल में है और 95% लोग बाहर धूप में तप रहे हैं। ये जो धूप में तप रहे हैं, आपको जो असुविधा हुई इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन इस धूप में भी तप करके आप जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, कार्य करने की एक नई ऊर्जा और प्रेरणा दे रहे हैं, आप सबको झारखंड के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप जो तप कर रहे हैं ना, ये तप मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं विकास करके ब्याज समेत ये आपकी तपस्या को लौटाऊंगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य होगा मुझे जो आप मुझे इतना प्यार, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप जो मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं, क्या मैं आपके लिए जिंदगी खपाऊंगा कि नहीं खपाऊंगा?
आपकी भलाई के लिए जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा, शरीर का कण कण, समय का पल पल आपको समर्पित करूंगा कि नहीं करूंगा, आपको विश्वास है ना, यही मोदी की गारंटी है। मेरे भाइयों बहनों, अभी मैंने सिंदरी खाद कारखाने को जो फिर से शुरू करने की गारंटी दी थी साल 2018 में, मुझे सिंदरी के इस खाद कारखाने का शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला और आज सिंदरी के इस खाद कारखाने का लोकार्पण हो गया। आप मुझे बताइए साथियों, क्या आपने सोचा था कि ये कारखाना एक दिन फिर से शुरू हो जाएगा? सब लोग निराश हो चुके थे ना, सबने मान लिया था बस हो गया, ताला लग गया लग गया, माना था कि नहीं माना था। लेकिन ये मोदी तो है जिसकी गारंटी में दम है, और इसलिए जिसकी आशा भी आपने छोड़ दी थी उसमें भी ऊर्जा भरने के लिए आपने मोदी को काम दिया है। इस खाद कारखाने से यहां युवाओं के लिए हजारों रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इस खाद कारखाना से पूर्वी भारत के किसानों को बहुत लाभ होगा।